जैसलमेर 13 महांत किसको, जैसलमेर 3 मैनेजर आएंगे डॉक्टर मुर्मू, जैसलमेर 4 में मौसू हांसदा, जैसलमेर 12 में विकी किसको, जैसलमेर 5 में दीपक हांसदा, जैसलमेर 9 में रंजीत हांसदा, जैसलमेर 6 में मुरली विजय हांसदा जो गोलकीपर है। और आइए जानते हैं जो बेंच स्ट्रेंथ के रूप में रखी गई है रिजर्व में खिलाड़ी। त्रुटि के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर जो टूर्नामेंट आयोजित होती है, कई खिताब जीत चुके हैं एवाईसी पावड़ा और वो इतिहास दोहराने की बारी आ चुकी है एवाईसी पावड़ा के लिए, जबकि हमारे दर्शक अभी भी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त नहीं किया है। आइए चलते हैं, आप सबों को खिलाड़ियों का परिचय करा दूंगा। जर्सी नंबर 1 में नजर आते हुए प्रदीप हेमरम, जो एक मुख्य भूमिका गोल रक्षक का भूमिका को अदा, स्ट्राइकर। हेलो। जर्सी नंबर 12 सुंदर मांडी, जैसे मतदार शुभम हेमरम, जैसे नंबर 17 अभिजीत चूडू, जैसे नंबर 6 राजा राम हेमरम और बाकी खिलाड़ियों को रिजर्व में रखा गया है। सौरभ भास्कर, जैसे नंबर 0 सुखदेव मुर्मू, जैसे नंबर 15 गोपीनाथ हेमरम, जैसे नंबर 0 और सुजन हेमरम, जैसे नंबर 0। इस खेल को संचालित करते हुए मिस्टर गोभा मांडी, मैच का परिणाम देख ली है। ये सिलसिला एक सुंदर अवसर गवा चुके हैं घाटशिला की टीम, पावड़ा की टीम। इंजाम क्या? हेलो। मगर इस बार एमसी मोड़ाकाठी तांबाड़ा क्षेत्र के बहुत सुसज्जित खिलाड़ी समय पे हमारे फोर्थ रेफरी जोन पे पहुंचने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी औपचारिकता है उसे हम समय पे पूर्ण कर सके। इस आशा में हम आपके इंतजार में कि आप जरूर समय पे पहुंचेंगे। जबकि प्रथम चक्र का अंतिम मैच के लिए दो बड़े दल, एक है बुधवेश्वर फुटबॉल क्लब तो दूसरी तरफ एबीसी जगन्नाथपुर। सातवां मैच कहना से फाइव स्टार कुतरुड़ी की नागरिकों में अगर टूर्नामेंट आयोजित हो और जगन्नाथपुर जैसे टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना करें तो आधी अधूरी टूर्नामेंट जैसा लगती है, महसूस होती है। मगर इस बार बड़ी ही दमखम के साथ टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट की है जगन्नाथपुर के। भैया जगन्नाथपुर की अगर बात करेंगे तो फिर इस 51 में जो शाल गिरा है 51वां, हम सभी खुशकिस्मत होंगे कि ऐसे खिलाड़ी का दीदार हो रहा है। फुटबॉल के जरिए अपने करियर को संवारने वाला ये मिस्टर हमचंद्र हांसदा जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हमारे कई दर्शक उनसे मुखातिब होने के लिए सर मंच के करीब पधारते हुए, ये बहुत ही जबरदस्त और 36 इंच का हो जाता है, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा में संचार हो जाती है। और इसी बीच एक माँ का मोड़ा काटे के लिए 6 नंबर के खिलाड़ी सुभाष हेमरम जो टीम के कप्तान है, बहुत सुंदर जगह पे गेंद और ये बहुत ही बड़ा चूक। एक नंबर, अगर ऐसा ही होता रहे चूक तो फिर कैसे मिटाएंगे गोल का भूख। इस बार पावड़ा की बारी आ चुकी है 10 नंबर के खिलाड़ी, दूर से प्रयास मगर कोई फायदा नहीं मिलेगा। सुंदर माटी के द्वारा शूटिंग की गई थी, ऑपोजिट दल होंगे उसको आप बैक फुट पे ला सकते हैं। मैच नंबर 7, मैच नंबर 7 पे आएंगे रवि फुटबॉल क्लब और उसके ऑपोजिट दल होंगे ब्लैक ईगल फुटबॉल क्लब। आप दोनों ही दलों के कप्तान को हमारे बाकी रही है उस कार्य को हम समय पे पूर्ण कर सके और आपको आदेश मिले इस मैदान पे आने के लिए। रेफरी है
अनुभवी रेफरी है। तो साथ ही साथ कनेक्टेड है जमशेदपुर एसोसिएशन से डाला लगा थोड़े छोड़ेगा गोली मोने तो छोड़ थोड़ा बढ़ाना होना चाहिए भे। ऐसे में कैसे होगा वो एक सूचना मैं हमारे दर्शक मंडलियों तक पहुंचाना चाहूंगा। जो भी दर्शक मंडली हमारे प्रिय भाई बंधु द्वार से आप अंदर साइकिल मोटरसाइकिल को ना लाए उसके लिए ग्राज की व्यवस्था की गई है। आप ग्राज में ही साइकिल मोटरसाइकिल को रखें। और साथ ही साथ मैं आप सबों को अलर्ट करना चाहूंगा कि भाई जो हमारे NS 33 से एक मार्ग जो कनेक्टेड हुई है मुसावनी जमशेदपुर मार्ग से, और हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे दर्शकगण साइकिल मोटरसाइकिल से पधार रहे हैं रोड के किनारे साइकिल मोटरसाइकिल को पार्किंग ना करें। तो फिर फुटबॉल के इतिहास में एवाईसी पाड़ा का नाम जरूर नजर आएगी। कई ट्रॉफी क्लब में घर में सजाया जा चुका है, इतनी ट्रॉफियां जीते हैं एवाईसी पाड़ा की टीम। कलर के जर्सी को इस्तेमाल करते हैं, जीरो जीरो पीले कलर के जर्सी बहुत सूट करता है खिलाड़ियों को। टाइपुस की अपेक्षा किया है 3 नंबर के लिए जबरदस्त कोऑर्डिनेशन 7 नंबर के खिलाड़ी हिकिम हामरम बहुत अच्छे खेल के लिए जाने जाते हैं हिकिम हामरम को, मगर इस बार चूक हुई। इस बार बारी आई है स्टार खिलाड़ी 11 नंबर कारण हेलो क्या खतरनाक शॉट था इस बार बहुत देर के बाद एक गर्वणीय शॉट देखने का मौका मिला हमारे दर्शकों को। खतरनाक गति दिया था गेंद को गेंद में और उसी अंदाज में गोलरक्षक ने जवाब दिया। और धीरे धीरे हौले हलो समय हो चला है। कहा जाता है कि अंत भला तो जग भला है, धीरे धीरे वो समय हो चला है। और थोड़ी देर के पश्चात हमारे बीच दो बड़े दल आपस में इस मैदान पे भिड़ेंगे, एक तरफ रवि फुटबॉल क्लब तो दूसरी तरफ ब्लैक ईगल फुटबॉल क्लब। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने खिलाड़ी साथियों को लेकर हमारे पैवेलियन छोर पे चले आएंगे, फोर्थ रेफरी के जोन पे चले आएंगे। उम्मीद ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा भरोसा है दोनों ही दलों के ऊपर। अगले पड़ाव पे मैच होगा सुपर डुपर और ये क्लीन फाउल है गलत तरह। काफी देर के बाद जो अपॉर्चुनिटी मिली है 10 नंबर के खिलाड़ी को जिम्मेदारी सौंपा गया है। और ये पोअर शॉट 10 नंबर के द्वारा होता हुआ बरसों की जो तमन्नाएं हैं, मन की जो अभिलाषाएं हैं, वो पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है हमारे दर्शकों के लिए। नहीं तो गुली के तेल आए जिस अंदाज में खेल की प्रस्तुति यहाँ पे हो रही है वाकई में प्रशंसनीय काबिल तारीफ, मगर तरीके से रोकने का जो प्रयास हुआ था इस बार में खिलाड़ी एक्सपीरियंस प्लेयर इस बार 6 नंबर के खिलाड़ी के रूप में दर्शाया गया है। हर हाल में इस अपॉर्चुनिटी को फायदे में परिवर्तित करना चाहेंगे, मगर ये जमीनी शॉट कितना कारगर साबित होगा। बिल्कुल सही जगह पे गेंद और माया फिर से शूटिंग हुआ। और अभी अभी बड़ी जोश के साथ 7 नंबर के खिलाड़ी मैदान के अंदर
प्रवेश कर चुके हैं। अभिजीत टुडू के रूप में जो अभी अभी पदार्पण हुई है मैदान पर 17 नंबर के खिलाड़ी, अदर जी क्या हो गया? बहुत अच्छी जगह पे गेंद आई है, गेंद आगे बढ़ा गया है थोड़ा सा, 13 सीएमएच चलता हुआ, वो अटैकिंग नहीं देखा जा रहा है जिस सेटिंग की, अटैकिंग के लिए जाने जाते हैं दोनों तरफ, उससे प्रयास हुई थी नहीं रख सके उन टारगेट अभी न बची।